बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में आपके लिए लाई हूँ कटहल को काटते कैसे हैं, कटहल काटने का तरीका। क्योंकि मेरी अक्सर यहाँ पुरानी दिल्ली में हम रहते हैं तो अक्सर लेडीज से जब कटहल पकाने के बारे में बात होती है तो कहती है हमको तो कटहल काटना ही नहीं आता, पकाएंगे तो बाद में। तो और एक मैंने देखा भी था किसी के घर में कटहल पका हुआ, तो उन्होंने बीजों समेत पका दिया था और बिल्कुल जैसे बाजार वालों से कटवा लेते हैं, अक्सर दुकानदार से कटवा लेते हैं तो इतने मोटे मोटे वो टुकड़े काट के दे देते हैं, तो उन्होंने वैसा का वैसे इसको लाके पका दिया। वो जो है तरीका सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो इस बात की बनाती हूँ कि कटहल काटते कैसे हैं। सबसे पहले हमें एक कटोरी में बहुत थोड़ा सा, देखिए इसमें मैंने एक टीस्पून इसमें तेल लिया हुआ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और कटहल की मैं आपको पहचान बता दूं, एक तो कटहल बिल्कुल सफेद होना चाहिए, और जो ये आप रेशा देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला, इसको हम काट के फेंक देंगे, ये खाया नहीं जाता। ये रेशा लंबा होना चाहिए, जितना लंबा रेशा होगा उतना ही अच्छा होगा। ये अभी थोड़ा इतना लंबा नहीं है, लेकिन बाजार में इससे भी अच्छा कटहल मिलता है, कल यही मिल रहा था तो मैं यही ले आई। और जो अक्सर कटहल जो है पीला होता है, दुकानदार जो है पीला कटहल दे देते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि कैसा कटहल खाना चाहिए, तो वो जो पीला कटहल खरीद लेते हैं जाहिर है पक्के भी बदमजा ही होता है। तो कटहल देखने में बिल्कुल सफेद होना चाहिए और इसका जो ये रेशा है ये लंबा होना चाहिए। छोटा रेशे वाला कटहल अगर आप पकाएंगे तो पक्के बदमजा होगा। चलिए आइए हम इसको सबसे पहले काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे, एक बहुत तेज धार वाले हमें चाकू चाहिए। देखिए मैंने दानेदार इसकी धार है ये वाला चाकू लिया है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला चाकू इसमें काम नहीं करेगा, इससे आप काटिएगा भी मत। ये स्टील के चाकू, इसकी धार फौरन बैठ जाएगी। हमें इसके काटने के लिए बहुत तेज चाकू चाहिए होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये दानेदार है, तो ये जो है छिलका इसका बहुत मोटा होता है, इसके लिए हमें बहुत तेज चाकू चाहिए होता है। सबसे पहले हमने करना ये है कि इसके ऊपर हाथों पे लगाने की जरूरत नहीं, चाकू के ऊपर तेल लगा लें, इसको हम इधर कर देते हैं। सबसे पहले हमने करना ये कि हम इसके स्लाइसेस काटेंगे। बिस्मिल्लाह, छिलका नहीं उतारेंगे बल्कि पहले इसके स्लाइसेस उतारेंगे। देखिए अंदर से कैसा सफेद निकला, ये गुठलियां भी हैं इसे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हम बेसिकली यूपी वाले हैं और हमारे घर में बचपन से कटहल बनता था, हमारी मम्मी बनाया करती थी, अब मुझे थोड़ा सा अपनी उंगलियों पे तेल लगाने की जरूरत पड़ेगी। और एक दफा फिर से हम चाकू के ऊपर तेल लगा लेते हैं। अब हम इसके छिलके उतारना शुरू करेंगे। ये वाला हिस्सा भी पहले अलग कर लेते हैं, ये देखिए इसको, ये वाला हिस्सा बिल्कुल आपने अलग कर देना है पहले। चलिए इसी को अलग कर लेते हैं, ये फेंकने वाला है। इसे रेशे अलग कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये हो गया, अब ये जो छिलका है आपने बिल्कुल यहाँ से उतारना है। बाजार वाले जब छिलका उतार लेते हैं, उतरवा ले आते हैं अक्सर हम, तो वो जो है यहाँ से उतार देते हैं और कटहल जो है गायब हो जाता है, जबकि हमें बिल्कुल बारीक छिलका काटना है। ये देखिए ये देखिए ये हिस्सा इसमें रहना चाहिए। और बारीक उतार लेती हूँ मैं कभी भी बाजार से छिलवा के नहीं लाती कटहल।
ठीक है, वो पूरा का पूरा कटहल ही उतार देते हैं उसके अंदर ही। और बारीक उतार सकते हैं तो उतारिए, कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए ये हिस्से हमने इसको स्लाइसेस के छिलके उतार के रख लिए हैं, ये देखिए। और अब हमने करना ये है कि इनके स्लाइसेस बनाने, ये देखिए इस तरीके से। काफी टाइम लग जाता है इसको बनाने में, लेकिन अब ये जो गुठलियां हैं मैं इनमें से ऐसे करके इसमें से अभी निकाल लूंगी, लेकिन पहले मैं इसको काट लेती हूँ। ये जो गुठलियां आप देख रहे हैं ये, इनको हम छील के डालेंगे। बाज लोग जो हैं ऐसे ही डाल देते हैं, छील के समीप डाल देते हैं, फिर वो जाहिर है कि मुंह में तो छिलका जब आएगा खाने में तो बुरा लगेगा ही। और बाज लोग तो छील के समीप ही खा जाते हैं, और बाज लोग जो है बेचारे जो हैं जब सब्जी बन जाती है तो सब्जी खाते खाते गुठलियां भी छीलते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो इसलिए हम बेहतर यह है कि हम इसको छील के ही डालें। तो इस गुठलियां मैं अलग जमा कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैं पहले इसको काट लेती हूँ, फिर इसमें से गुठलियां निकाल लूंगी सारे में से। ये देखिए अभी मैं इसके और छोटे पीसेस करूंगी, ये है ना, इतना लंबा नहीं डालना, इतना करना है इसको। और कटहल, एक बात मैं आपको और बता दूं, कटहल जितना रेशे वाला होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितनी कम गुठलियां होंगी उतनी उतना ही ज्यादा वो अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें गुठलियां मुझे थोड़ी ज्यादा ही लग रही हैं, क्योंकि पहले से हमको पता नहीं चलता अंदर क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, गुठलियां भी हम छील के डाल देंगे। ये बड़ा पीस है, लेकिन हाँ भी हम इसको और छोटा करेंगे। देखिए अंदर से कितना सफेद निकल रहा है। अब जी ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, मैं इनको भी थोड़ा छोटा छोटा किए ले रही हूँ। ये देखिए जैसे ये है, और मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो मैंने कटहल की वीडियो पहले डाली हुई है पकाने की, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ जब मैं कटहल काटना सिखा रही हूँ तो एक वीडियो कटहल की सब्जी कैसे बनती है एक वीडियो और डाल देती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं तरीका वही रहेगा सेम जो मैंने पहले वाली वीडियो में समझाया है। और अब हम ये करेंगे कि हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के पोरों पे खास तौर से, और इसमें से सारी गुठलियां जो है अलग कर लेंगे पहले, ये देखिए। और इसको हम एक तरफ रखते जाएंगे ताकि दोबारा से ये हमें कंफ्यूज ना करे। ये जो हिस्सा है ये ऊपर वाला ही खाया जाएगा, ये नरम वाला हिस्सा ये खाया जाता है। और ये जो एक सख्त सा छिलका है ये फेंका जाएगा। अभी मैं पहले गुठलियां अलग कर लूं फिर आपको दिखाऊंगी। ये जितना भी था इसमें से सब मैंने जो है गुठलियां अलग कर ली हैं, ये देखिए उधर देख सकते हैं आप साइड में, और ये एक आध रह गई, ये भी मैं अलग कर रही हूँ। अब हमने करना ये है कि ये जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बात और दिखा दूं, देखिए ये गुठली के ऊपर जितना भी नरम वाला हिस्सा है ये आपने सब उतार लेना है, ये सब पकेगा। ये सख्त वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये हमने फेंकना है छील कर, इसमें अब कोई गुठली नहीं है। अब मैं इसको जो है एक बर्तन में कर रही हूँ ताकि, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये धुलेगा,
ये अभी धुलेगा ये सब कटहल पहले कट के इसको हम अलग के ले रहे हैं और गुठलियां भी हम छील छील के इसी में डालते जाएंगे। रेशे अलग कर लेते हैं और जो फेंकने का होगा उसे फेंक देंगे। चलिए इसको मैंने अलग कर लिया। अब हमारे पास ये गुठलियां बची हैं और छिलके, तो अब हम ये करेंगे कि ये जो गुठलियां हैं अब मैं इनको छीलूंगी। ये देखिए ये वाला हिस्सा फेंकना है। ये एक सख्त छिलका उतरेगा पहले से, ये देखिए ये उतरेगा, फिर इसके अंदर ये एक ब्राउन है, ब्राउन कलर का छिलका है, ये भी उतरेगा। काफी मेहनत लगती है इसको बनाने में, लेकिन ये खाने में मैं आपको बता दूं मजेदार भी उतना ही होता है, हद से ज्यादा। ये देखिए ये ऐसी निकलनी चाहिए अंदर से सफेद बिल्कुल, ये ऐसी। इसी तरह हम इसका भी उतारेंगे। ये उतर गया, काफी टाइम लगता है इसको। ये अब हम इसका ब्राउन वाला छिलका उतार देंगे। क्योंकि अगर आप इसको सोच के डाल देंगे कि ये जो है तो बारीक सा छिलका है, तो ये खाने में आपके मुंह में कड़वा कड़वा लगेगा। इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा आप। ये मैं छील के अलग रखती जा रही हूँ, किसी किसी गुठली पे ये रह गया है। गुठलियां मैं ऐसा करती हूँ छील के हाथ इसमें रखती जाती हूँ, यहाँ छील के ही पड़े हुए हैं। ये ब्राउन वाला छिलका जो है आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये गुठलियां मैंने छील ली हैं और ये भी मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ। और जब आप इसको पकाने चलें कटहल को, तो अच्छी तरीके से इसको 3-4 दफा धो लें। और इस वीडियो को तो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको पकाने की वीडियो भी एक बनाने वाली हूँ, वो उसकी हम अलग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में छोटा सा बेल आइकॉन होगा उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।